राजस्व शराब देखने जीटी बनी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश पर 25,000 का इनाम था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। फरार बदमाश की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में एक बार फिर विजयनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। भेड़ हुई है, क्या है पूरी घटना? देखिए, हमारे चौकीन चार प्रताप बिहार सम्राट चौक पर चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान दो व्यक्ति स्कूटी पर आते दिखाई दिए। इन्हें रोका तो मोड़कर वापस भागने लगे। संदेह होने पर उन्होंने उनका पीछा किया और साइड से सूचना दी, जिस पर सभी चौकीन चार सक्रिय हो गए और यहां डीपीएस के पास सर्विस रोड पर क्रॉस फायरिंग हुई बदमाशों पुलिस में, जिस पर एक व्यक्ति की गोली लगी है और एक उसका साथी भाग गया। कैसा तो इनाम भी था? हाँ, अभी जो जानकारी हुई इसके मुताबिक ये सोनू उर्फ तैयब नाम का व्यक्ति था, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, खतौली का, और इस पर 25,000 का इनाम पूर्व से चला रहा था। 2018 से ये लूट के मामले में वांछित चला। सर, फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉमिंग के लिए टीम रवाना कर दी गई है। सर, कितने बदमाश थे? जो दो बदमाश थे सर, बदमाशों द्वारा कोई फायरिंग की गई थी? बिल्कुल, फायरिंग की गई, दो तीन राउंड फायरिंग बदमाशों द्वारा की गई थी। कोई पुलिसकर्मी घायल है सर? नहीं, पुलिसकर्मी अभी कोई घायल नहीं। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।